नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडीएम और आपका होरा भोजपुरी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पवन सिंह एक इकलौते ऐसे स्टार हैं भोजपुरी के जिनको हर कोई जानता है और इनकी काबिलियत से हर कोई इनको पहचानता है। वहीं पे पवन सिंह पहुंचे थे सुशांत सिंह राजपूत के घर, उनके पिताजी से बहुत सारी बातचीत की। उनके पिताजी से बात करने के बावजूद ऐसा लगा कि सुशांत सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता था जैसे कि सुसाइड करना या फांसी लगाना। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में सारी बात बताने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो में आगे बने रहें। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के बाद बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में आक्रोश फैल गया है। हम आपको बता दें, बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म चल रहा है, मतलब भाई भतीजावाद चल रहा है। यानी अगर किसी का बाप या किसी का भाई है उससे पहले बॉलीवुड में, तो वही अपने लड़के या लड़की या अपने भाई को स्टार बनाना चाहता है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे इकलौते स्टार थे जो बिहार से निकल के बॉलीवुड तक गए थे और इतनी सारी हिट फिल्में दी थी। 9 फिल्मों में से करीबन करीबन 7 फिल्में उनकी सबसे सुपरहिट हुई थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों को जलन हुई और उनके खिलाफ साजिश रचा गया और उनको हर एक जगह पे बेइज्जत किया जाने लगा। अब इधर अगर बात करें पवन सिंह की, तो पवन सिंह तो पहुंचे थे, लेकिन उनसे बात करके, उनके पिताजी से बात करके बहुत ही बारे में जाना पवन सिंह ने, और इस पे पवन सिंह ने बयान भी अपना दिया। वो चीज़ हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पवन सिंह ने बातें क्या बोली हैं। पवन सिंह ने ये बोला है कि मैं अभी किसी बंदे का नाम नहीं ले सकता, किसी बंदे का नाम लेना यहाँ पे मेरे लिए गलत है, और मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा, सरकार से ये बात बोलूँगा, क्योंकि पवन सिंह एक बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं। तो इसके तहत वो सरकार से दरख्वास्त करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि इसके अंदर कड़ी से कड़ी जांच हो, सीबीआई जांच हो, और जो भी मुजरिम निकले उसको सख्त से सख्त सजा दी जा सके। और पवन सिंह ने एक बात ये भी बोला कि आगे चल के भोजपुरी में ऐसी सुपरहिट फिल्में बनेंगी जिससे बॉलीवुड को टक्कर दे सकेंगी, और बॉलीवुड को हमें पीछे करना है, यानी बॉलीवुड को हमें टक्कर देना है, ऐसी पवन सिंह ने बात बोली। वो आप इंटरव्यू जाते जाते जरूर सुन लीजिए, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अपने मिट्टी का लाल खोदिए, मैं यही कहूँगा कि इसका, इस मामले का जो है वो उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी है सच वो सामने आए। करने वाले हैं सलमान खान के साथ किसी नए प्रोजेक्ट में? मैं अभी किसी बंदे का नाम नहीं ले सकता, सच सामने आएगा उसके बाद हम हर जगह खड़े मिलेंगे।